नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम जुड़े, चारधाम यात्रा परियोजना की हुई समीक्षा। कोविड पर सीएम ने मुख्य सचिव और सचिव स्वास्थ्य के साथ किया विचार विमर्श। शनिवार और रविवार को हो सकता है पूर्ण लॉकडाउन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में की ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा। क्षेत्रवासियों की आय और बढ़ोतरी पर की गई चर्चा। पूर्व सीएम के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने साधा निशाना, कहा बिल्डर्स को फायदा देने के लिए घोषित किया गया था स्कैप चैनल। कांग्रेस ने कोविड के बढ़ रहे केसों पर सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा सरकार बरत रही लापरवाही। और लगातार बारिश और पत्थरों के कारण केदारनाथ नेशनल हाईवे को किया गया बंद। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करते हैं उत्तराखंड। प्रदेश में लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों और अप्रदेशवासियों द्वारा रोजगार हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से ऋण देकर कार्य करने का मौका दिया जा रहा है, जिसको लेकर उद्यम सिंह नगर जिले के जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक सीएस बोहरा ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अभी तक 150 आवेदनकर्ताओं में से 145 बेरोजगार लोगों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय इस योजना को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ये योजना पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल पर आधारित योजना है, इसमें पेपरलेस पूरी तरह से काम हो रहा है। अतिथि तक हमारे पास 150 एप्लीकेशंस आई हुई हैं, जिसमें से हमने 145 एप्लीकेशन को क्लियर कर दिया है और बची हुई 5 एप्लीकेशंस पे भी हम कैंडिडेट को सही मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी एप्लीकेशन भी क्लियर की जा सके। 150 में से हमारे पास 8 प्रवासी हैं जिनकी एप्लीकेशन हमने क्लियर करी है और इन 150 एप्लीकेशंस में से हमारे पास 35 एप्लीकेशन पशुपालन की विभिन्न एक्टिविटीज से संबंधित हैं, जिसमें आपका गाय पालन है, भैंस पालन है, बकरी है, पोल्ट्री है, पिगरी है, इन सभी एक्टिविटीज में हमने लोन को सैंक्शन किया हुआ है। उत्तराखंड में बरसात आने के साथ ही उत्तराखंड वासियों के लिए मुसीबत भी आ गई है। बता दें, रामगढ़ गाँव में नदी के बीच बनाई सड़क तेज पानी आने से एक यात्री से भरा वाहन फंस गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने वाहन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी बढ़ने से लगातार हादसे होते रहते हैं। देश में कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अब नैनीताल में एक स्थानीय बैंक कर्मचारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये कर्मचारी बीते 7 दिन पहले काशीपुर किसी परिचित से मिलने के लिए गया था, जहां वो एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गया। आपको बता दें, लक्षण देखने पर कर्मचारी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इस दौरान वो बैंक में भी नहीं गया था। आज उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक और पूरे विश्व में एकमात्र मां उमा देवी के पौराणिक मंदिर स्थित है। यहां पर विभागीय लापरवाही और घटिया निर्माण की वजह से मंदिर का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस मुख्य द्वार पर देश विदेश से आए श्रद्धालु अपना मत्था टेक कर माँ उमा देवी का आशीर्वाद लेते हैं। उसी मुख्य द्वार के अंदर से सीवर लाइन को बिछवाया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में भी कई बार निर्माण एजेंसी को मौखिक रूप से जानकारी देने के बाद भी उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया और वहीं क्षेत्रीय जनता का कहना है कि धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का खामियाजा कार्यदायी संस्था को भुगतना पड़ सकता है। पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष गैरोला जी के साथ विभिन्न राजनीतिक संगठन के लोगों ने जाकर उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग को ज्ञापन दिया है, जिस पर मौके पर पहुंचकर उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ धार्मिक अभावनाओं को आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज करके और पुनः मंदिर के गेट को शीघ्र निर्माण करके संबंधित एजेंसी को आदेशित किया है।
उमा देवी मंदिर के पास नामी गंगे द्वारा शिविर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान जो मंदिर की सुरक्षा दीवार है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और मंदिर के ठीक सामने चैम्बर बनाए जाने पर भी लोगों में काफी रोष है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से चारधाम परियोजना के संबंध में बैठक की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चारधाम परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इसे निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा किए जाने के लिए तेजी से कार्य किए जाएं। राज्य एवं केंद्र स्तर पर भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण आदि की क्लियरेंस के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए केंद्र एवं राज्य के अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें। केंद्र एवं राज्य स्तर के संबंधित अधिकारी लगातार बैठकें आयोजित कर आपत्तियों का निस्तारण करें। चारधाम धाम यात्रा के लेकर केदारनाथ करने के लिए गए दर्शन के बाद बासुतीकाल पैदल ट्रैक के रास्ता भटके चार यात्रियों को पुलिस, एसडीआरएफ एवं स्थानीय गाइडों की टीम ने चौथे दिन सकुशल बरामद कर लिया है। चारों यात्री बासुकीताल में अत्यधिक कोहरा लगने के कारण रास्ता भटक गए थे और विपरीत दिशा में चले गए थे। चार दिनों तक यात्री जंगल में रास्ता खोजते रहे। सर्च ऑपरेशन के लिए पुलिस, एसडीआरएफ एवं स्थानीय गाइडों के 5 टीमें भी चार दिनों तक जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाती रही। कभी भी कोई ट्रैकिंग दल हो बिना तैयारी के साथ ना जाए और इसमें प्रॉपर परमिशन होती हैं, अनुमति लेके ही जाना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, गाइड के साथ जाना चाहिए और संबंधित विभागों से परमिशन लेने के बजाना चाहिए। इस तरीके से जाने में खतरा है और पुराने ट्रैक रूट्स हैं और संभावना रहती है भटकने की। विगत में भी यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग दल भटके हैं और ये बिना तैयारी के, बिना गाइड के, बिना परमिशन के लोग गए थे और इस संबंध में इनको बताया भी गया और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एवं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर लौटे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी का विजन बिल्कुल साफ है और जिन मूलभूत सुविधाओं में उत्तराखंड की जनता त्रस्त है उन्हीं को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच उतरेगी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को मुफ्त मुहैया करवाने के क्षेत्र में ही कार्य किया जाएगा। देखिए, ये कोई मोहरा नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि उत्तराखंड में हम मुफ्त बिजली नहीं देने जा रहे, हम तो उत्तराखंड वासियों का हक देने जा रहे हैं। उत्तराखंड एक प्राकृतिक संपदाओं से बना हुआ प्रदेश है, ये देवभूमि है, यहाँ पे ऋषि मुनियों ने तप किया है, यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत हैं, गंगा यहाँ अवतरित हुई है, यमुना यहाँ अवतरित हुई है, ये देवभूमि है। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार कोविड के कहर लगा बढ़ते जा रहे हैं जिस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड के मामलों में जिस प्रकार की लापरवाही राज्य सरकार कर रही है वह ठीक नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही बोलती आ रही है कि सरकार को कोविड के मामलों की गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन लापरवाही की वजह से आज राज्य में हालात यह हो गए हैं कि कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अब आप ये बताइए ना, हास्यास्पद स्थिति है, आपने बाजार का एक हिस्सा लॉकडाउन कर दिया और बाकी बाजार खोल रखा है, क्या मतलब है उस लॉकडाउन का? अरे भाई, जो कोतवाली से नीचे नहीं जाएगा वो कोतवाली से ऊपर से ले लेगा और कोतवाली तक आप लगा देंगे तो कोतवाली के नीचे चला जाएगा। ऐसा लॉकडाउन थोड़ी होता है। लॉकडाउन का मतलब क्या है? कोई कोरोना डर के थोड़ी भाग गया लॉकडाउन से, वो चेन तोड़ने का एक सिलसिला है और चेन तोड़ने के लिए आपको अगर लॉकडाउन करना होगा तो पूरे शहर को ही आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा। यहाँ अब तक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवाओं और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर के एसपी सिटी देवेंद्र पिंचरा के निकट 2 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिनका रुद्रपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है। साथ ही एसपी ने इस घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की है। बाजपुर नगर पालिका परिषद में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पालिका प्रशासन द्वारा उपजिलाधिकारी से सभासदों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ सभी वार्ड में थर्मल स्क्रीनिंग की अनुमति मिलने पर विचार विमर्श किया गया। बता दें, बाजपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका के चेयरमैन और सभासदों ने सभी वार्डों में थर्मल स्क्रीनिंग करने का मन बनाया था, जिसको लेकर पालिका प्रशासन द्वारा उपजिलाधिकारी से अनुमति भी मांगी गई थी। उपजिलाधिकारी द्वारा सभासदों को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ थर्मल स्क्रीनिंग की अनुमति मिलने के बाद नगर पालिका में बैठक आयोजित की गई। जिस पे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और हमारी ये पंच जी हल्द्वानी के जो आंगनवाड़ी उनके उसमें समक्ष मीटिंग की जाए की है, और सोमवार से मंडे से जो है डोर टू डोर सभासद के साथ लेकर डोर टू डोर जो है थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य किया जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चारधाम परियोजना की समीक्षा की, जहां सीएम ने कहा कि गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गैरसैंण के सड़क मार्ग को विकसित करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए इसका प्रस्ताव भेजने को भी कहा है। उत्तराखंड में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव और सचिव स्वास्थ्य के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि हर संभव उपाय पर पूरी गहनता से विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जरूरी समझे जाने पर राज्य की सीमाएं सील करने और
साथ ही पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन करने पर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। जिन लोगों के होटल्स में बुकिंग है उन्हें कुछ शर्तों के साथ आने की अनुमति मिल सकती है। साथ ही जरूरी कार्य से उत्तराखंड आ रहे लोगों को भी आने की इजाजत नहीं मिल सकती। कल अचानक 200 केस आए और अगर देर रात तक देखें तो ये संख्या और अधिक हुई है। तो इसके लिए एक ही समाधान है कि हम एक गैप तैयार करें, उसके जो साइकिल है उसको ब्रेक करें। सैटरडे संडे व्यापारियों की भी डिमांड थी कि मार्केट 5 दिन ही खोला जाना चाहिए और हालात भी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में उद्योग विभाग के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि यह देखा जाए कि संचालित ग्रोथ सेंटर से संबंधित क्षेत्रवासियों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, हर ग्रोथ सेंटर के आउटपुट का आकलन किया जाए। एग्री बिजनेस से जुड़े ग्रोथ सेंटर्स को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ा जा सकता है। ग्रोथ सेंटर्स के उत्पादों की क्वालिटी और मार्केटिंग सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जाए। बताया गया कि 96 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए जा चुके हैं। सीएम रावत ने राज्य में ग्रोथ सेंटर्स के आउटपुट का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देखा जाए कि संचालित ग्रोथ सेंटर से संबंधित क्षेत्रवासियों की आय कितनी बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ सेंटर के उत्पादों की क्वालिटी और मार्केटिंग सुनिश्चित की जाए, ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है। एग्री बिजनेस से जुड़े ग्रोथ सेंटर्स को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ा जा सकता है। सीएम ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में उद्योग विभाग के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा की। और यहां अब तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted from 1st July 2020 as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till the government reopens the schools. Admission in CMS for Montessori, nursery to class 11 are open. Contact concerned CMS campus. डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढककर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले में लगातार कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर इस वायरस को रोकने के लिए रुद्रपुर और बाजपुर क्षेत्र में 13 जुलाई से 72 घंटों का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद क्षेत्र के लॉकडाउन को हटा दिया गया है। जिले एडीएम जगदीश चंद्र कर्णपाल ने बताया कि इस 72 घंटे की अवधि में प्रशासन ने लगातार बाजार शहर को सैनिटाइज कराया गया, जिसमें संक्रमण के दायरे को कम किया जा सके। अब रुद्रपुर और बाजपुर क्षेत्र से पहले की तरह सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक सारे बाजार खुले रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई केस किसी भी स्तर पर जानकारी में है तो इसकी सूचना प्रशासन को जरूर देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे लॉकडाउन ना हो, इसकी जिम्मेदारी हर नागरिक की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर, बाजपुर और मुरादाबाद में बनाए जा रहे फ्लाईओवर मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माणकर्ता दीपक बिल्डर्स लुधियाना को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, काशीपुर निवासी दीपक वाली ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि बिल्डर द्वारा काशीपुर, बाजपुर और मुरादाबाद में बन रहे फ्लाईओवर समय से पूरा नहीं किया गया है। हाईवे बन रहा है जो काशीपुर और बाजपुर और मुरादाबाद और रामपुर, इन सबको कवर करेगा ये ब्रिज फ्लाईओवर। तो ये मामला था, और क्योंकि इसका 2017 में वर्क मिला था और 2019 इसकी एंडिंग डेट थी, लेकिन बिल्डर्स द्वारा ये काम पूरा नहीं हुआ और कोर्ट के थ्रू 2 बार का एक्सटेंशन भी मिला 2020 में, तब भी ये काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए ये याचिका डाली गई थी। प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शासन के निर्देश के बाद अब पहाड़ की खूबसूरत और पर्यटन स्थलों के दीदार के लिए नियम की भी छूट दे दी गई है। अब किसी भी राज्य में अगर सैलानी 72 घंटे के भीतर अपना कोविड संक्रमण मुक्त प्रमाण पत्र दिखाता है और 7 दिन की बुकिंग होटल में करता है तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इस छूट के बावजूद भी नैनीताल जिले के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर में होटल एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वे सुरक्षा के मद्देनजर अपने होटल में बुकिंग नहीं करेंगे। हाँ, कल मेरी अध्यक्षता में यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये फैसला हुआ कि हमारे होटल्स और आगे को बंद रहेंगे। उसका कारण ये है कि हमारे जो जितने नेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के जो शहर हैं, उनमें से जैसे आपका उधमपुर, उधम सिंह जो हमारा ज़िला है, उधम सिंह, उसमें रुद्रपुर और काशीपुर 2 शहर ऐसे हैं जहाँ से यहाँ पर आवत भी रहती है और हमारी इस एरिया को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसा सोच के हम लोगों ने कल एक बैठक रखी थी, उस बैठक में वोटिंग के द्वारा यह निर्णय हुआ। कोविड काल में जहाँ लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हुआ है, तो वहीं रोजगार के नए अवसर भी देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों में एक प्रकार की घास जो हर जगह स्वयं उग जाती है, जिसको बिच्छू घास के नाम से भी जाना जाता है। इसके रेशे से चमोली जिले के नंदप्रयाग में महिला समूह द्वारा कपड़े, कालीन, पर्दे तैयार किए जा रहे हैं। महिलाओं को पंचायत द्वारा प्रशिक्षण एवं एक भवन उनके निर्माण के लिए लिया गया है, जिसमें 20 महिलाएं कार्य करती हैं। इससे उनकी भी आर्थिक मजबूती हुई है। नंदप्रयाग की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी का कहना है कि इससे आने वाले समय महिलाओं को और अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और नंदप्रयाग की अध्यक्ष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बिच्छू घास पे भांग के रेशे से तैयार जैकेट पहनने को दिखाई देते हैं। इस तर्ज पर नंदप्रयाग में ये पहल शायद स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। यहाँ पे ये कालीन बना के हम इनको बेचते हैं,
ये स्वयं सहायता समूह के थ्रू हम सारे काम करते हैं। बिच्छू घास का ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम यहाँ पे। पत्तियों का बिच्छू घास की पत्तियों का चाय पत्ती भी बनाते हैं और ऊन भी तैयार करते हैं। का कार्य सरपंच से चल रहा है। यहाँ पे 20 महिला समूह हैं जो कि ये कार्य कर रही हैं और इससे इनको काफ़ी लाभ मिला। नगर पंचायत द्वारा इनको प्रशिक्षण केंद्र दिया गया जहाँ पे सभी महिलाएं आके अपना दल बनाती हैं और बिच्छू घास से भी काफ़ी कपड़े और पत्तियाँ वगैरह बना रही हैं और हमारे समय समय पर हमारे द्वारा इनको मदद की जाती है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।